आज के वीडियो का टॉपिक, आज इस केस स्टडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को उनके लोन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस पूरे केस स्टडी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी भी बैंक से या NBFC कंपनी से लोन लिया है तो ये परेशानी आपके साथ भी आ सकती है। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे लोन के बारे में जिसके एक फैमिली मेम्बर ने एक लोन लिया। वो लोन लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों तक अपने EMI को बहुत ही अच्छे से पेमेंट करते हैं। उसके बाद उनकी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगा। उनका कैंसर के कारण उनका मौत हो गया। इस लोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो वो लोन लिए थे, जिन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया था, वो अपने घर को मॉर्गेज रख के उन्होंने लोन लिया था। मरने के बाद जब उनके बच्चे जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और वो बोलते हैं अगर आप EMI को नहीं पे करोगे तो हम आपके घर को बेच के अपने लोन की रिकवरी कर लेंगे। तो क्या पॉसिबल है कि बैंक ऐसा कर सकता है? जो लोन आपके पिताजी ने लिया है, जो लोन आपके फैमिली में कोई और मेम्बर लेता है, अगर उसके मरने के बाद क्या लोन की रिकवरी पॉसिबल है? क्या लोन माफ़ नहीं हो जाता? क्या यहाँ पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता बैंक वालों के खिलाफ? इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसके बारे में पूरा बताया। इसके बारे में मैं आपको एक पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपके साथ भी अगर समस्या होता है तो आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी खबर, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मैं मेंशन करना चाहता हूँ उन्हीं लोगों के लिए जिसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है। वो अपने लोन EMI से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बैंक उन्हें लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सच में हेल्प चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आप इस तरह से समस्या से फंसे हुए हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा जिस पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, उससे आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूँ, वही लोग कॉन्टैक्ट करें जिनको सच में ज़रूरत है, वो सच में भी फंसे हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बैंक कहाँ से झूठ बोल रही है आप समझिए। हम लोग जब भी कोई भी लोन लेते हैं, किसी भी तरह का कोई भी लोन लेते हैं, जब बैंक से हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अवज़ में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने लोन लिया होगा तो बैंक वालों ने उस लोन का इंश्योरेंस किया होगा, क्योंकि बैंक वालों को किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं होता कि फ्यूचर में मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक पैसे कहाँ से लाएगी। तो बैंक क्या करती है, उस लोन का इंश्योरेंस कर देती है, जिसका प्रीमियम भी आपसे भरवाया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मुद्रा लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो 9 लाख 9.5 लाख आपके बिजनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे इंश्योरेंस भी कर दिया जाता है। स्टॉक का इंश्योरेंस कर दिया जाता है, जो आपकी दुकान में स्टॉक है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका इंश्योरेंस कर दिया जाता है, उसका प्रीमियम आप पे करते हो। पर गलती कहाँ करते हो कि कोई भी इंसान उस प्रीमियम का, उस पॉलिसी का कोई कॉपी या डॉक्यूमेंट बैंक से नहीं मांगता। बाद में जब आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो बैंक वो डॉक्यूमेंट को छुपा लेता है और बाद में उस रिकवरी अमाउंट को आपसे चार्ज करता है और वहाँ पे क्लोज करके वो सारा पैसा बैंक के पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, उस मैनेजर के पर्सनल पॉकेट में चला जाता है। और इस तरह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब वो इंसान ही नहीं रहा तो वो लोन ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जितने भी लोन होते हैं उसका एक छोटा सा टर्म्स होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने अगर कोई भी लोन लिया है उसमें आपका और आपके गारंटर का, पर आपने कोई बिजनेस लोन लिया है तो आपका या आपके बिजनेस का, अगर प्रोप्राइटर का मौत हो जाता है तो वो लोन वहीं पे क्लोज हो जाता है। बैंक इसके आगे आपकी रिकवरी नहीं कर पाती, क्योंकि जो कमाने वाला नहीं है और उस बिजनेस में जो मेन कोलेट्रल होता है वो आपका शॉप होता है, क्योंकि उसमें जितने भी स्टॉक होते हैं उसका हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको बैंक या NBFC कंपनी अगर परेशान कर रहा है, अगर आपने अभी कोई लोन लिया है और उसमें कोई इंश्योरेंस हुआ, अगर आप उसका पॉलिसी अभी तक नहीं रिसीव की हो तो जल्दी से उसका पॉलिसी रिसीव कर ले, क्योंकि बैंक आपके साथ भी ये गलती कर सकता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं बैंकिंग से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी ज़रूरतमंद अगर मुझसे बात करना चाहता है तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आगे का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।